हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको क्लास प्लस टू में होने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास प्लस टू का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है फाइनल एग्जाम में। अब आप देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो देखो, नेशनल इनकम में वर्ड से स्टार्ट करते हैं, इनकम से। इनकम क्या होता है कि जो भी हम पैसा अर्न करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे बोलते हैं इनकम। अब इनकम दो तरह की हो सकती है, एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है, वो पार्ट ऑफ इनकम जो हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अर्न करते हैं अपनी सर्विसेज को देके। ठीक है, कि हमने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी की और उससे हमें जो इनकम हुई वो क्या होगी, फैक्टर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये ऐसी इनकम होती है जो हमने अर्न कोई प्रोडक्शन पर्पज से नहीं की, ये नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर होती है, नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर। ठीक है, जैसे कि मतलब नाम नहीं है ना ट्रांसफर इनकम, ये पॉकेट टू पॉकेट ट्रांसफर करती रहती है, एक पर्सन की पॉकेट से दूसरे पर्सन की पॉकेट में विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे कि आप कह सकते हो ज़्यादातर ट्रांसफर इनकम लड़कियों को बहुत मिलती है, जैसे कि जूता छुपाने के लिए पैसे मिल गए, रक्षाबंधन में राखी बांधने के पैसे मिल गए। ठीक है, या फिर जैसे वेडिंग्स में मिलते हैं एंट्री पे उनको पैसे। तो ये सारी जो इनकम्स है ये ट्रांसफर इनकम है, इनके लिए कोई प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ी हुई, इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर होती है। कंजका पे जैसे उनको जो पैसे मिलते हैं वो सारे ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, तो हमने फैक्टर इनकम को कंसीडर करना है, ट्रांसफर इनकम को नहीं करना, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेशनल इनकम की। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो नेशनल इनकम में की डेफिनेशन ये है कि जो ये नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब इसमें दो मेन चीज आती है, फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। फैक्टर इनकम तो सबको पता चल गया क्या होता है, अब नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, जो बंदा इंडिया में ही रह रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ या फिर, ठीक है, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं, उनको हम अपने देश का ही नागरिक मानते हैं। एनआरआई जो होता है ना, उसकी जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती, उसके कुछ कंडीशंस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम अगर हम बोले तो सारी फैक्टर इनकम जो एक साल में अर्न की गई है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंडर अर्न की गई है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ क्या आता है, जो इंडिया का मैप है ना, ठीक है, उसके एरिया के अंडर जितनी भी इनकम अर्न की गई है इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, वो सारी डोमेस्टिक इनकम आती है। अब चाहे इंडिया के अंदर कोई फॉरेन का पर्सन आके मान लो वो अर्न कर रहा है इनकम, तो वो भी काउंट होगी डोमेस्टिक इनकम के अंडर। ठीक है, और सेम नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, नेशनल इनकम जब भी हम निकालते हैं तो हमारे देश की तो फैक्टर इनकम आएगी आएगी, प्लस कोई अब्रॉड में बंदा यूएसए में चलेगा, कोई इंडियन यूएसए में जाके पैसे अर्न कर रहा है, तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में से कौन सी इनकम तुम्हें लगता है ज़्यादा होगी, कौन सी इनकम बड़ी होनी चाहिए, तो वो कौन सी होती है, नेशनल इनकम हमेशा बड़ी होगी डोमेस्टिक इनकम से। ठीक है, अच्छा चलो, उसके बाद हमारे लास्ट में आता है कि जो नेशनल इनकम होती है और डोमेस्टिक इनकम, इनकी ना कन्वर्जन है, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल भी आता है ना पेपर में, तो उसकी कन्वर्जन है वो आपको पता होनी चाहिए, एक तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहली कन्वर्जन क्या होती है, ग्रोस से अगर हमें नेट पे जाना होता है, ग्रोस वाली फिगर से अगर हमें नेट वाली फिगर निकालनी होती है ना, तो हमेशा याद रखना हमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस, और अगर नेट से ग्रोस में आना है तो उल्टा हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, सेकंड रूल है ये, तीन मतलब आपको याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल के लिए। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर आपको फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है,
तो अब देखो फैक्ट्री से कोई सामान मार्केट में जाता है तो उसमें दो चीज़ें लगती है, एक तो टैक्स लगता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स GST, जैसे कोई टैक्स लगा होगा उसे प्लस कर देना है, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट को निकालना है तो हमने क्या करना है, सब्सिडी को प्लस कर देना है और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। मतलब आप एक ट्रीटमेंट याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट होता है। ठीक है, थर्ड आता है आपका डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे जाना है अगर आपने, तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो आपने क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देनी है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देनी है और माइनस कर देनी है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फ्रॉम और टू का क्या सिस्टम है कि जो इनकम बाहर से इंडिया में हुई है, बाहर वाले लोग जो इंडिया से फॉरेन गए हैं ना, उन्होंने जो इनकम की है वो तो प्लस हो जाएगी, और जो इंडिया में लोग फॉरेन के रह रहे हैं वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को समझने से पहले ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनल गुड्स और व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए दोनों का मीनिंग। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, कि कस्टमर उन्हें जाके खरीद सकता है इमिजिएटली और यूज़ कर सकता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही है, विच डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और अभी तक वो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, उनको अभी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन बाकी है। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मान लो आप मॉल में गए, वहाँ पे जो भी सामान रखा होता है वो सेल करने के लिए रखा है, वो फाइनल गुड्स है कि वो डायरेक्टली परचेज कर सकता है कंज्यूमर यूज़ करने के लिए। पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सेम गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो फाइनल भी और इंटरमीडिएट भी हो, तो इसका आंसर आता है यस। फॉर एग्जाम्पल देखो, शुगर, शुगर मार्केट में अवेलेबल होती है, अगर उसको कंज्यूमर खरीद रहा है चाय बनाने के लिए, घर के लिए, कुछ भी काम के लिए, तो वो फाइनल गुड्स हुआ। ठीक है, क्योंकि उसे कंज्यूमर ने खरीदा अपने यूज़ के लिए। पर अगर वही शुगर कोई बेकरी वाला यूज़ करके केक एंड बिस्किट्स में यूज़ कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, कि अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, तो मैटर क्या करता है कि एंड यूज़ कौन है, उसका एंड यूज़र कौन है। अगर कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, और अगर वो चीज़ प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसके बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम निकालते हुए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं इंक्लूड करते। अब यही है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में यही होता है कि हम क्या करते हैं, अगर दोनों गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर दें, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल गुड्स दोनों वैल्यू को इंक्लूड कर देंगे ना, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देके इलस्ट्रेट करता हूँ। मान लो एक फार्मर है, ठीक है, उसने वीट प्रोड्यूस किए जो उसने मार्केट में सेल कर दिए 1000 रुपीज़ के मिल वाले को। मिल वाले ने क्या किया, उस वीट से उसने आटा बना दिया। ठीक है, और वो आटा उसने मार्केट में बेच दिया 1200 रुपीज़ का। ठीक है, अब वो आटा किसने खरीदा, एक बेकरी शॉप ने, और उसने उससे क्या बना लिए, बिस्किट्स, एंड बिस्किट्स को उसने सेल किया 1500 रुपीज़ में। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है फाइनल फाइनल वैल्यू मेथड। ठीक है, फाइनल वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करना है। ये जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स बने बिस्किट, तो बिस्किट की जो वैल्यू आएगी वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट मेथड यही बोलता है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करो, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड ना करो। ठीक है, ये सारे तो इंटरमीडिएट गुड्स थे ना, फाइनल गुड्स तो यही बना, तो इसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, वो भी डबल काउंटिंग को सॉल्व कर सकता है। वो कहता है कि स्टार्टिंग वाली फिगर उठाओ, फिर जितने की वैल्यू एडिशन हुई है ना हर स्टेप में, उसको कंसिडर करते रहो। जैसे कि 1000 रुपीज़ प्लस कितने की वैल्यू ऐड करी, 200 रुपीज़। ठीक है, ये जो 1200 रुपये हैं इसमें 1000 रुपये ये वाले तो इंक्लूड ही हैं, तो हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को कंसीडर करेंगे। और फिर यहाँ पे कितने की वैल्यू ऐड हुई, 300 रुपीज़ की, तो
तो कितना बन गया टोटल, तब भी हमारा 1500। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड कहता है वैल्यू की एडिशन को कंसीडर करो, और फाइनल आउटपुट मेथड कहता है फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करो। दोनों ही मेथड से हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के ना तीन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आता है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जो कहता है कि जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है ना उसको कंसीडर करते रहो, जो अभी हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, फिर आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड बोलता है कि जितनी भी फैक्टर इनकम हुई है उसको प्लस कर लो। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है ना उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, फाइनल प्रोडक्ट्स को, उसको कंसीडर करके भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करोगे आपका आंसर सेम आएगा, पर पेपर में कई बार स्पेसिफाई होता है कि इनकम मेथड यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों से आंसर सेम क्यों आता है, तो क्यों? क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में हमने अभी पढ़ा ना कि वैल्यू एडिशन को कंसीडर करते हैं, कि उसने जैसे वही एग्जांपल देख लो, 1000 रुपीज थे, फिर 200 की वैल्यू ऐड हुई, फिर 300 की वैल्यू ऐड हुई, तो हमने वैल्यू की एडिशन देखी। अच्छा, अब जितनी भी ये वैल्यू एडिशन थी वो उस किसी इन पर्सन की इनकम बनेगी, जैसे बेकरी वाले ने वो 1500 के बिस्किट सेल किए तो 300 उसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ये मिल वाले का हो गया, ये फार्मर का हो गया, तो ये सारी इनकम होती है किसी पर्सन की। और हमें पता है कि किसी की इनकम दूसरे का एक्सपेंस होती है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा सेम रहते हैं। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये आपको दिए, तो वो आपके लिए तो इनकम हुई, पर मेरे लिए क्या हुआ, वो एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस हमेशा इक्वल होते हैं इकोनॉमी में, किसी की इनकम दूसरे बंदे का एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, तो इसलिए तीनों से आंसर सेम आएगा, पर आपको जो मेथड पेपर में स्पेसिफाई है उसी से ही आपने सॉल्व करना है। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं और प्रिकॉशंस है कि क्या क्या हमने सावधानियां रखनी है इन मेथड्स को यूज़ करते हुए, तो मैं आपको प्रिकॉशंस कराता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब इनके प्रिकॉशंस देखो। पहले मैं आपको ना कुछ 5 ऐसे कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हर एक पॉइंट में आप प्रिकॉशंस में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू जो आती है ना वो हम नहीं इंक्लूड करते। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की हम वैल्यू को नहीं इंक्लूड करते कि नेशनल इनकम निकालते हुए। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, जब वो बने थे, जिस साल में वो गुड्स बने थे तभी उनकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता, उसके बाद नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, 2017 में, और उसको आपने 2018 में सेल कर दिया, तो सेकंड हैंड गुड्स हो गया ना वो, तो उसकी वैल्यू नहीं इंक्लूड की जाएगी 2018 में। 17 में जो फ़ोन की अमाउंट थी वही इंक्लूड हो चुकी है क्योंकि। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वो इंक्लूड होता है, कमीशन ऑन सेल। अगर आपने किसी डीलर के थ्रू अपनी चीज़ सेल कराई है ना, तो उसको जो आपने कमीशन दिया है वो वाली इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, वो वाली वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ कंज्यूम गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, क्योंकि हम गुड्स को मेजर कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फार्मर है, वो ना वीट ग्रो करता है, तो उसमें से वो 5 kg वीट अपनी फैमिली के लिए खुद ही यूज़ कर रहा है, बेच नहीं रहा उनको मार्केट में जाके, 5 kg वो खुद यूज़ कर रहा है, तो उनकी वैल्यू भी जो मार्केट वैल्यू है वो ऐड होगी नेशनल इनकम निकालते हुए। ठीक है, सेकेंड आता है सेल्फ कंज्यूम सर्विस की वैल्यू नहीं इंक्लूड की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि सर्विसेज की वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब इसमें एक एग्जांपल आ जाता है, मान लो एक टीचर है जो स्कूल में भी पढ़ाती है और घर में अपनी डॉटर को भी पढ़ा रही है, तो वो जो डॉटर को पढ़ा रही है वो तो सेल्फ कंज्यूम सर्विस में आया, टीचिंग की सर्विस, तो वो इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जो रेंट होएगा ना वो इंक्लूड होता है। मतलब एक ऑनर है, मालिक है ना जो घर का, वो भी अपने घर में रह रहा है, तो उसका घर की जो फ्लोर में वो रह रहा है ना, उसका एक रेंट कितना बनेगा वो भी नेशनल इनकम में आता है। ठीक है, मतलब वो अपने घर में ही रह रहा है, कहीं किराए पे नहीं रह रहा, पर फिर भी हम यही इंक्लूड करते हैं कि अगर वो बंदे का खुद का घर नहीं होता तो वो कहीं रेंट पे रहता तो इतनी इनकम होती ना इंडिया में, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा जिस घर में वो रह रहा है। बेशक वो घर उसी का ही है, पर उससे जो भी एक नॉमिनल रेंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग का कितना रेंट होएगा नॉर्मल, तो उस रेंट को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में।
ठीक है। अब ये पांच पॉइंट सेम है हर एक फिगर में, तुमने यही पूरे क्वेश्चन में लिख देने हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो आप ये इनमें पांच पॉइंट्स को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यहाँ पे लिखोगे इनकम अर्न ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इनकम अर्न ऑन द वे ऑफ कमीशन ऑफ, यहाँ पे इनकम इनकम वर्ड इनके आगे लग जाएगा। यहाँ वैल्यू वैल्यू वर्ड लगेगा, यहाँ इनकम वर्ड, और फिर थर्ड पॉइंट में एक्सपेंडिचर वर्ड इनके साथ ऐड कर देना है। तो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आप भूल जाते हो एक आधे पॉइंट, तो कुछ पॉइंट बहुत ही बेसिक है जो आप लिख सकते हो। जैसे कि हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था ट्रांसफ़र इनकम नहीं आती। ट्रांसफ़र इनकम जैसे मैंने बताई थी ना, ओल्ड एज पेंशन होगी, ठीक है, स्कॉलरशिप होगी, क्योंकि उसके लिए कुछ हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद लिख सकते हो ब्लैक मनी से जो इनकम हुई है, ब्लैक मनी तो शो ही नहीं करते हम गवर्नमेंट को, तो वो नेशनल इनकम में आएगी कहाँ से, तो ब्लैक मनी भी नहीं आती। इनकम अर्न थ्रू लॉटरी से जो पैसे कमाए जाते हैं वो आते हैं? नहीं, वो भी नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है इलीगल वे से जो भी इनकम अर्न करी है, इलीगल वे से जैसे किसी का मर्डर करने के पैसे दिए हैं किसी को, किसी के किडनैपिंग के पैसे, कोई चोरी करी है, वो सारा भी नेशनल इनकम में नहीं आते, वो तो रिकॉर्ड पे भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में भी आप यही लिख सकते हो एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन में कोई खर्चा करा। ओल्ड एज पेंशन भी हम इसीलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ओल्ड एज पेंशन हर किसी को मिलती है, वो मिल किस लिए रही है, ओल्ड एज के लिए। एक होती है रिटायरमेंट पेंशन, उसको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उसके लिए बंदा प्रोडक्शन करा है, उसने पूरी अपनी लाइफ टाइम में अपनी सर्विसेज दी है देश को, ठीक है, कोई भी उसने अपनी जॉब से कमाया ना वो रिटायरमेंट पेंशन, तो वो आती है, बट ओल्ड एज पेंशन नहीं आती। ये आपको न्यूमेरिकल में भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ प्लस करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है। तो ये था आपका सारा कंसेप्ट नेशनल इनकम के बारे में, इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल रह जाएंगे। थ्योरी पार्ट यही था जो पेपर में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उनके भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।